इस परियोजना के निर्माण में 20,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। समुद्र, पहाड़, शहर, हर बाधा को लांघते हुए 5 करोड़ से अधिक नागरिकों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देते हुए आगे बढ़ेगा ये रेल मार्ग। जापान के तकनीकी सहयोग से बनी ये रेल अतुलनीय होगी। इस उच्च गति के रेल के आने से राष्ट्र की उन्नति होगी व नव भारत का निर्माण होगा। ऐतिहासिक साबरमती स्टेशन का नवीनीकरण होगा, जो इस परियोजना का आरंभ स्थल है। 320 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली इस ट्रेन की अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार सघन जांच होगी। मुंबई टर्मिनल से अहमदाबाद के 8 घंटे के सफर को मात्र 2 घंटे में तय करेगी ये हाई स्पीड रेल। सालाना 1.5 करोड़ यात्री इससे लाभान्वित होंगे व भारत का नाम उच्च गति रेल के आधुनिक तकनीकी का सफल उपयोग करने वाले राष्ट्रों की श्रेणी में अंकित हो जाएगा। और इस प्रकार संकल्प से समृद्धि की ये गौरव यात्रा पूरी होगी। ये ट्रेन हम भारतीयों के जज्बे का आईना है। अब प्रगति का सफर तेजी से हमें तय करना है, चुनौतियों को पार कर अपना रास्ता बनाते हुए मंजिल तक निश्चित ही पहुंचना है। भारत के लिए आज का दिन रेल के इतिहास में एक नए युग का प्रारंभ है। भारतवासियों, इस कुशल, दक्ष, आश्चर्यजनक, सर्वगुण संपन्न ट्रेन के लिए हम हमारे रेल अधिकारियों को विश्व स्तरीय प्रशिक्षण देंगे। हम माननीय प्रधानमंत्री जापान हिज एक्सेलेंसी मिस्टर शिंजो आबे और भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी से अनुनय करते हैं कि कृपया हाई स्पीड रेल प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान बड़ोदरा की आधारशिला पट्टिका का अनावरण करें रिमोट का बटन दबाकर। जी हां, इस इंस्टीट्यूट बड़ोदरा का अनावरण किया गया, शिलान्यास पट्टिका का अनावरण। और ये देखिए साइट, इसी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बड़ोदरा की साइट का बहुत ही लाइव फीड आपको हम दे रहे हैं। काम का शुभारंभ भी हो चुका है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। अब हम माननीय प्रधानमंत्री जापान तथा भारत के माननीय प्रधानमंत्री से विनम्र अनुनय करते हैं कि कृपया इस ड्रीम प्रोजेक्ट के शिलान्यास पट्टिका का रिमोट द्वारा अनावरण करके भूमि पूजन को संपन्न करें। जी हां, भारत की तेजी से चलती विकास यात्रा की एक और सौगात, दोनों देशों की मित्रता का एक बहुत ही ऐतिहासिक पल। बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। कोटि कोटि धन्यवाद माननीय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी सभ्यता संस्कृति पर नाश करने वाले, तो आखिरकार भारत में बुलेट ट्रेन का शिलान्यास कर दिया गया है, फाउंडेशन ले कर दिया गया है। और जैसे ही रिमोट से बटन दबाया, दोनों प्रधानमंत्रियों ने, दोनों के चेहरे पर वो भारत और जापान की दोस्ती की खुशी साफ नजर आ रही थी। और जो तोहफा भारत को मिलने वाला है वो लाइव फीड के माध्यम से भी हमने देखा। उस साइट की तस्वीर थी जहां पर काम जेसीबी और तमाम मशीनों से और लोगों के साथ शुरू हो गया और वहां पर ऑलरेडी काम किया जा रहा है। और इस वक्त प्रधानमंत्री बताते हुए, दिखाते हुए और शायद उन्हें मंच की दूसरी तरफ लेकर के जा रहे हैं।